राजधानी पटना में एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है, जहां एम्स के डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर प्रेमनाथ राय के ऊपर बाइक सवारों ने फायरिंग कर दिया, जहां वह बाल बाल बच गए। इस मामले पर पटना सिटी एसपी पश्चिमी अभिनव दीमान ने बताया कि एम्स के डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर प्रेमनाथ राय खगौल के छोटी बदलपुरा अपने घर से गाड़ी में बैठकर ड्यूटी के लिए खगौल लख के रास्ते एम्स जा रहे थे। जैसे ही एम्स के पास पहुंचे कि उनकी गाड़ी पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दिया। गोली उनके गाड़ी के पीछे वाले फाइबर बॉडी में फंसी है, वह शीशा फूटा हुआ है। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, वह पीछे बैठे हुए थे। पीड़ित ऑफिसर ने बताया कि उनके मोबाइल पर 4 दिन पहले ही कॉल आया था। कॉल में अपना परिचय के रूप में दानापुर विधायक रीतलाल यादव का भाई पिंकू यादव बताया। फिर कहा कि एम्स के सिक्योरिटी गार्ड बहाली में उसके आदमियों को बहाल करिए। इस पर सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताया, इस बहाली में मेरा कोई भूमिका नहीं है। यह बहाली बरेली की कंपनी कर रही है, लेकिन पिंकू यादव के द्वारा उन पर बार बार दबाव बनाया जा रहा था। सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस पिंकू यादव के घर गई, जहां पता चला कि पटना से वह बाहर है। उन्होंने बताया कि उनकी आने का पुलिस इंतजार में है, अगर उनकी इस वारदात में हाथ होगी तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। वहीं पुलिस अभी घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि बदमाशों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी कर सके। आज 22 अगस्त को खगौल थाना अंतर्गत एक घटना सामने आई है। एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जब अपने ऑफिस जा रहे थे, तभी एम्स डी का फ्लाईओवर जहां पे उतरता है खगौल थाना अंतर्गत, वहां पे कुछ अपराध कर्मी 3 की संख्या में एक बाइक से आए और उनकी गाड़ी पे फायर किया। फायर होने की वजह से उनकी गाड़ी की विंडशील्ड क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी में उस समय उनके साथ उनके ड्राइवर और उनके बॉडीगार्ड मौजूद थे। ये अपने ऑफिस जा रहे थे और घटना का कारण जितना अभी तक सामने नज़र आया है, वादी द्वारा ये बताया गया है कि करीब 4 दिन पहले उनको एक कॉल आया था। कॉल करने वाले ने अपने आप को दानापुर के वर्तमान विधायक के भाई के तौर पे इंट्रोड्यूस किया था, पिंकू यादव के नाम से इंट्रोड्यूस किया था, और ये बोला था कि हमारे कुछ गार्ड्स हैं, उनको आपको भर्ती करना होगा। हाल फिलहाल में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है। उसी क्रम में एम्स में भी सिक्योरिटी गार्ड्स की नियुक्ति की जा रही थी, और जो पिंकू यादव हैं उनके द्वारा वादी पे दबाव बनाया जा रहा था कि हमारे गार्ड्स को आप रखिए, वरना जो इसका अंजाम होगा वो बुरा होगा। वादी द्वारा ये बोला गया कि ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज सॉल्यूशंस बरेली जो कंपनी एम्स में सारी सिक्योरिटी गार्ड्स को बहाल करती है, और उनके द्वारा ही ये सारी बहाली की जाएगी और इसमें वादी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर बनाया गया, और उसी क्रम में वादी को आशंका है कि आज ये घटना हुई है। इसी मामले में एएसपी दानापुर दलबल के साथ जो हैं वो उनके द्वारा कार्रवाई की गई। विधायक के जो घर हैं वो वहाँ पे पहुँचे, उनके द्वारा उनके भाई पिंकू यादव के बारे में पता किया गया। तो अभी जितना पता लगा है वो पटना से बाहर हैं, जल्दी उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, और अगर उनकी संलिप्तता इस मामले में सामने आएगी, जितने भी हमारे पास एविडेंस आई है उसके हिसाब से फिर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अन्य अपराधकर्मी जो जिनके द्वारा ये गोलीबारी की गई है उनको भी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें सीसीटीवी फुटेज जो है वो ले लिया गया है घटनास्थल का, साथ ही साथ टेक्निकल और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पटना पुलिस द्वारा की जाइए। इसमें जल्दी जो भी उपलब्धि होगी उससे जो है आपको अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद।